राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय छः। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय छः। मंदिर आदि की बनावट। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा, और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनवाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाई, और उसने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों भिंतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनवाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार बनवाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की भीतों को पकड़े हुए न हो। और बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनाते समय हथौड़े, वसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी, और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनवाई वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इसराइलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इसराइली प्रजा को न तजूंगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसने भवन की भिंतों पर भीतरवार देवदारों की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया, और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले भीतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी, और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें गांठ वाले और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकले लगाई, और उसको भी सोने से मढ़वाया, और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। और
दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के दो करूब बनवा रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरी की भी इतनी ही थी। और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का पंख एक भीत से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे दो पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया। और उसने भवन की भीतों में बाहर और भीतर चारों ओर करूब खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाए। और दर्शन स्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए और चौखटे के सिरहाने और बाजों की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया। इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे जिनमें से एक किवाड़ के दो पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के दो पल्ले थे जो पलटकर दोहर जाते थे। और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़िया लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीवना महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे।